स्क्रीन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अपर्णा मौजम। बात करते हैं मोहन कैबिनेट की बैठक की जो खत्म हो चुकी है। कई अहम प्रस्तावों पर इस कैबिनेट की बैठक में मोहर लगाई गई है। कौन कौन से वो अहम प्रस्ताव हैं उनकी जानकारी आपको देंगे, किन प्रस्तावों पर मोहर लगी है, किन प्रस्तावों पर अभी विचार आगे भी किया जाएगा और कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से मुद्दे अहम रूप से छाए रहे, इन तमाम चीजों की जानकारी आपको थोड़ी ही देर में हमारे सहयोगी के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। तो मोहन कैबिनेट की ये बैठक जो अब खत्म हो गई है। पीएम एक्सेलेंस कॉलेज के अंदर भारत शासन के निर्देश के अनुसार, उनकी योजना के अनुसार 55 कॉलेजों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा भी दी जाएगी और जो डेवलपमेंट करना है वो डेवलपमेंट भी किया जाएगा। भारत शासन के द्वारा प्रत्येक कॉलेज को लगभग 22 करोड़ रुपया दिया जा रहा है और हम भी, राज्य सरकार भी, आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें बजट में प्रावधान करेंगे। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 14 तारीख को गृह मंत्री जी इंदौर में एक वृहद वृक्षारोपण के मुख्य अतिथि की भूमिका अदा करेंगे। आप सभी को मालूम होगा इंदौर ने तय किया है कि हम 55 लाख पेड़ लगाएंगे, तो वो वृक्षारोपण का कार्य तो चालू है। अभी लगभग हमारे यहाँ अभी तक पिछले 4 दिनों के अंदर 10 लाख पेड़ लग चुके हैं और प्रतिदिन 1-1.5 लाख लोग अलग अलग लगा रहे हैं। पर 14 तारीख को हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, एक साथ एक स्थान पर 11 लाख पेड़ लगाएंगे 24 घंटे के अंदर। 13 तारीख को शाम को 6 बजे से गड्ढे खोदने का काम प्रारंभ हो जाएगा, रात भर गड्ढे खोदेंगे और सुबह 6 बजे से पेड़ लगाना प्रारंभ कर देंगे। 11 लाख पेड़ हम 12 घंटे में लगाएंगे, जिसमें इंदौर शहर के लाखों कार्य। और अब बात करते हैं सतना की, जहां सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां पत्नी और 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई और पति का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। सूचना पाकर पुलिस पहुंची और तफ्तीश शुरू की गई। आशंका है कि पति ने ही अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या कर ली। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सतना से एक खबर आपको बता रहे हैं, 4 शव, राज क्या है ये बड़ा सवाल है, लेकिन पुलिस को शुरुआती तफ्तीश में यह आशंका है कि शख्स ने ही अपनी पत्नी की हत्या की, 2 बच्चों की हत्या की और फिर अपनी भी जान दी थी। तो पति का शव जो है रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। सूचना पाकर पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, तफ्तीश शुरू की गई। ये नजीराबाद में हरदोल मंदिर के पास में एक किराए के मकान में 3 जो है डेड बॉडीज मिली हैं। एक महिला है और 2 बच्चे हैं। इन तीनों की जो है यहाँ पे डेड बॉडी मिली है। पुलिस घटनास्थल पे पहुँच गई है और इसके जो पति है उसका सुबह रेलवे ट्रैक पर जो है डेड बॉडी मिली थी। पुलिस जो है पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और इसमें आगे देख रही है कि क्या चीज हुई है, कैसे हुआ। राजधानी भोपाल में एक पुलिस वाले के द्वारा उठाए गए कदम से सनसनी फैल गई है। खबर है कि एक एएसआई ने खुद को गोली मार ली जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एएसआई योगेंद्र यादव ने पारिवारिक विवाद के बाद सुसाइड जैसा कदम उठाया। जानकारी लगते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच में पत्नी की कैंसर की बीमारी से करीब 2 साल से डिप्रेशन की बात सामने आ रही है, तो वहीं माता पिता का भी लगातार बीमार रहने के बाद एएसआई डिप्रेशन में चल रहे थे। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। तो एएसआई योगेंद्र यादव ने खुद को गोली मार ली, पहले पत्नी की बीमारी और फिर माता पिता की बीमारी से परेशान एएसआई डिप्रेशन में चल रहे थे। एएसआई योगेंद्र यादव के सुसाइड की खबर से हर कोई सकते में आ गया। एएसआई ने खुद को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार ली। उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी, माता पिता भी लगातार बीमार चल रहे थे और कहा यही जा रहा है कि इन्हीं सब वजहों से तंग आकर एएसआई ने जान दे दी। इससे पहले भी वो लगातार बीमारी के चलते डिप्रेशन में थे। उनकी पत्नी को कैंसर था, बीवी की बीमारी, माता पिता का भी जो सेहत है उनकी नासाज रहना, लगातार इसकी वजह से एएसआई डिप्रेशन में थे।
शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र, क्या परिवार के लोगों को यह आभास नहीं था कि इस तरह का कदम उठा सकते हैं योगेंद्र यादव? क्या कभी उन्होंने डिस्कस किया हो कि वो इस कदर परेशान चल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये जो पूरा घटनाक्रम अचानक से घटित हुआ है, क्योंकि जो एसआई जो है योगेंद्र यादव, और नियमित रूप से अपना जो कामकाज भी कर रहे थे, परिवार की देखभाल भी कर रहे थे, वो अपनी जो पत्नी है उनकी सेवा भी कर रहे थे, क्योंकि 2 महीने से उन्हें कैंसर डायग्नोस हुआ, उसके बाद से वो उन्हें अस्पताल लाना ले जाना, रूटीन चेकअप कराना, जब बाहर जहां पर उन्हें इलाज दिया जा रहा था वहां भी जाना, थेरेपी, सभी चीजों को वो लगातार कर रहे थे। तो कभी भी ऐसा बताया जा रहा है कि परिवार को ऐसी कोई शंका या वो नहीं थी कि वो इस तरह कोई घटना कर सकते हैं, या वो अंदर से डिप्रेशन में है, इस तरह की कोई बात नहीं है। दूसरा, उनके ऊपर क्योंकि माता पिता 100-100 साल की उम्र है और वो भी उन्हीं के साथ रहते थे, तो वो लगातार उनकी भी सेवा में लगे हुए थे, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं इन सब बातों का जो वो डिप्रेशन में आए, जिस तरह से स्वास्थ्य पत्नी का भी खराब हुआ, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये चिंता होगी कि माता पिता की सेवा कौन करेगा या अब आगे किस तरह से हम सर्वाइव करें, कहीं ना कहीं ये बातें। लेकिन अब अभी कोई भी परिजन कुछ भी नहीं बोल रहे। बिल्कुल शैलेंद्र, ये कहा भी जाता है ना कि घर में बीमार एक शख्स होता है, उसे बीमारी होती है, लेकिन फिर उसके साथ साथ जो बाकी के लोग भी हैं, कहीं ना कहीं वो भी इस बीमारी की चपेट में आ ही जाते हैं, फिर वो बीमारी भले ही मानसिक चिंता की क्यों ना हो। शैलेंद्र, धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अब खबर राजधानी भोपाल से है, जहां लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ चल रहा है। मावे के नाम पर नकली मावा बेचा जा रहा है। जब इसकी भनक खाद्य विभाग की टीम को हुई तो एक्शन हुआ और 100 बोरी मावा पकड़ा गया। खाद्य विभाग ने बजरिया इलाके में एक ऑटो से मावे की बड़ी खेप पकड़ी, जिसके बाद जांच के लिए लैब में सैंपल भेजा गया है। तो ये खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। मावे के नाम पर नकली मावा बेचा जा रहा है। खाद्य विभाग की टीम ने एक्शन लिया है। 100 बोरी मावा जो यहां पर आप देख रहे हैं बोरी, उसमें नकली मावा भरा हुआ है। एक ऑटो से ये मावे की बड़ी खेप पकड़ी गई है। जांच के लिए लैब में सैंपल भेजा गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, सेहत से किस तरह खिलवाड़ हो रहा है। जिस मावे को आप घर में खरीद के लाते हैं कि ये मावा सही होगा, सही इस्तेमाल आप उसका कर पाएंगे, वो मावा नकली भी हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी खेप नकली मावे की ये पकड़ी गई है। शादियों का सीजन, और अगर आप मिठाइयाँ खाते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट भी हो जाइए, यही मिठाई आपकी सेहत भी खराब कर सकती है, क्योंकि आज खाद्य विभाग ने ऐसा ही मावा जब्त किया है जो शंकास्पद है कि इसमें नकली मिलावट हो सकती है। आपको ये मावा दिखाई दे रहा होगा, और करीब ऐसी 100 बोरियां पकड़ाई है भोपाल रेलवे स्टेशन पर। सुबह यहां पर अमले ने दबिश दी, अब इस मावे को जांच के लिए लाया गया है, इसके सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात आपको बता दें कि यहां पर जो अफसरों ने जांच में पाया है कि इस मावे को भेजने वाले का नाम और पता दोनों गड़बड़ है। इसमें आपको कोड दिखाई दे रहे होंगे, अगर हमारे कैमरा पर्सन से बोलेंगे तो आपको ATP2NSKP बेरसिया। अब ये मावा किस NS के पास जा रहा है, किस KP के पास, और कोड, यही सबसे बड़ी शंका पैदा करता है कि ये मावा नकली है। हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद होगी, लेकिन इस संदिग्ध मावे की निश्चित ही जांच होगी। पर आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए और स्वास्थ्य को लेकर सजग रहिए। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। सागर के महियर गांव में पिछले कुछ दिनों से मानसूनी बरसात के बीच हड़कंप मच गया है। नलों से आने वाले गंदे पानी ने लोगों की जिंदगी को आगोश में लेना शुरू कर दिया है। गंदा पानी पीने से करीब 500 लोग उल्टी और दस्त का शिकार हो गए, तो वहीं 2 महिलाओं की मौत की भी खबर है। बताया जा रहा है कि अब तक 3 महिलाओं को मिलाकर 4 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं कई लोग मौत के बीच लड़ रहे हैं। उल्टी और दस्त की परेशानियां लिए हुए मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव में डेरा डालना पड़ा है।
और अब खबर नर्मदापुरम से, जहां से एक बड़े हादसे की जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि एक कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। ये हादसा पिपरिया बरेली मार्ग पर सांडिया के पास हुआ। हादसे के बाद मृतकों के परिवार में मातम का माहौल है, तो वहीं घायलों के लिए दुआएं की जा रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना खतरनाक था। तो घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई तो कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन्हें घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसा पिपरिया बरेली मार्ग पर सांडिया के पास हुआ। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है, जहां मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। उपचुनाव के लिए मैदान में 9 प्रत्याशी हैं, तो वहीं मुख्य मुकाबला बीजेपी के कमलेश शाह, कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरावेन भलावी के बीच है। इस बीच उपचुनाव में वोटिंग के दौरान एक स्कूल में बनाए गए पोलिंग बूथ के बाहर हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि मतदाता के डॉक्यूमेंट्स को लेकर सुरक्षा कर्मियों से बहस हो गई। कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह ने आचलकुंड मतदान केंद्र के बूथ में वोट डाला। उपचुनाव के नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। तो अब तक 36% से ज्यादा की वोटिंग हो चुकी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। मुकाबला कमलेश शाह, धीरेन्द्र शानावती और देवरावेन के बीच है। देवरावेन गुनवाना गणतंत्र पार्टी से उम्मीदवार हैं, धीरेन्द्र शाह कांग्रेस से और कमलेश शाह बीजेपी से प्रत्याशी हैं। तो अमरवाड़ा में बीजेपी उम्मीदवार कमलेश शाह भी मतदान करने के लिए बूथ पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में आने की वजह भी बताई। साथ ही कांग्रेस पर विकास के नाम पर जनता के साथ धोखा देने का आरोप लगाया। कमलेश जी, बताइए ना, आपने वोट किया है, क्या अनुमान है, क्या संभावना है? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये जो आपने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन किया, क्या लगता है वोट शिफ्ट होगा या आपका पर्सनल वोट बैंक है? वोट शिफ्ट भी होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की जो जनता जनार्दन है वो विकास चाहती है। 40 वर्षों में इस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार रही, सांसद रहे, विधायक रहे, मैं भी विधायक था, और इस क्षेत्र में जैसा विकास होना था, सबसे ज्यादा हमारे इस क्षेत्र में पलायन की स्थिति, किसान परेशान, समय पर खाद नहीं मिलती, बीज नहीं मिलता, खेतों में पानी नहीं है, पर्याप्त बिजली नहीं मिलती, और हमारे क्षेत्र का किसान जो है दूसरे जिलों में नौकरी कर रहा, काम कर रहा है। अभी अभी जो पूरे अमरवाड़ा इलाके से क्या खबरें आ रही है, खासतौर पर मतदान के बाद चलते हैं। अच्छा है, और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों के साथ हम लोग जीतेंगे। ये थे कमलेश शाह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विकास के मुद्दे पर भाजपा जीतेगी निश्चित तौर पर। राजेश कर्मे ने, News 18 छिंदवाड़ा। तो 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद कमलेश शाह ने लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी छोड़ दी थी, विधायकी भी छोड़ दी थी। तो अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अमरवाड़ा की जनता से वोट की अपील की, साथ ही कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व में छिंदवाड़ा में जो विकास हुआ है उसके आधार पर वोट करें। मैं अमरवाड़ा के अंदर सभी मतदाता भाइयों और बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि माननीय कमलकांत जी के निर्देशन में छिंदवाड़ा में और उनके नेतृत्व में जिस तरह से छिंदवाड़ा का विकास हुआ है उससे वो हाथ धो देंगे अगर वे उन्होंने वहाँ से भाजपा को जिता दिया, क्योंकि कमलनाथ जी चाहे विपक्ष में रहें चाहे सत्ता में रहें वे हमेशा प्रभावशाली रहे हैं, और जो भी उनका एक 80 से लेकर आज तक का सफ़र है, छिंदवाड़ा को उन्होंने देश के नक्शे पर इलाके खड़ा कर दिया। राजेश कर्मेले हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, बताएं वहां पर अभी किस तरह की स्थिति है वोटिंग को लेकर।
ये देखिए, हम इस समय बसूरिया बूथ पर खड़े हैं। ये स्कूल का एक बूथ है, स्कूल में बनाया गया है। यहाँ पर मतदान का प्रतिशत जो अभी है इस बूथ की अगर हम बात करें तो तकरीबन 80 के आसपास पहुंच गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई हैं, महिलाओं ने भी वोट किया है। क्योंकि बारिश यहाँ थम गई है इसलिए यहाँ वोट मतदाता निकल कर आ रहे हैं। इस मतदान केंद्र की सबसे बड़ी विशेषता जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर दवाइयाँ रखी हुई हैं। आंगनवाड़ी केंद्र, आंगनवाड़ी सहायिकाएं तमाम तरीके की दवाएं लेकर बैठी है और इनका कहना है कि ये दवाएं जा भी रही हैं, महिलाएं आ रही हैं, वायरल फीवर फैला हुआ है। तो एक पंथ तो काज मतदान तो कर ही रही हैं, साथ में वायरल फीवर की दवाएं भी ये बांट रही हैं। ये जो स्थिति है ये हमें केवल यहाँ देखने को मिली। हम तमाम तरीके के बूथों में गए, तमाम जगह गए, लेकिन यहाँ पर देखने को मिली। कुल मिलाकर हम ये बात करें तो मतदान का प्रतिशत अभी कुछ धीमा पड़ा है। जी बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर सिंगरौली से है, जहां एक टीचर का शराब के नशे में धुत वीडियो सामने आया है, जिसे ना अपनी नौकरी की फिक्र है और ना ही पद की गरिमा का ख्याल है। शराबी टीचर शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचता है और पढ़ाई की जगह खूब ड्रामा करता है। शिक्षक के ड्रामे से छात्र सुछात्र स्थानीय लोग भी परेशान है। जब स्थानीय लोग उन्हें समझाते हैं तो टीचर क्या कहता है, सुनिए। आपको नौकरी करने के लिए बुलाने गए थे? मेरे घर गए थे। क्या बोल रहे थे? चलिए नौकरी करी। ऐसा भी होता है का? नहीं, ऐसा अब सामने है, क्या है, हकीकत हमेशा हकीकत रहे ना। असलियत कभी ऐसा पूछ ले। बताइए, आपको नौकरी देने के लिए वहाँ लेने चले गए ना? हाँ नहीं, अहिरवार गया ना, प्रिंसिपल है ना, बिंदु है ना, ये मेरे घर मुझे बुलाने गए थे। कहा गए थे कि चलिए हम नौकरी करी। उज्जैन में पति पत्नी के बीच मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। पूरा मामला उज्जैन के पवासा इलाके का बताया जा रहा है, जहां लव मैरिज के 5 साल बाद पति पत्नी अलग हो गए और एक बच्चा पति दूसरा बच्चा पत्नी ने अपने साथ रख लिया। इस दौरान पत्नी अपने दूसरे बेटे से मिलने जब पति के घर पहुंची तो झगड़ा हो गया। पति पत्नी का विवाद सड़क पर आ गया। इस दौरान दोनों ही परिवार के लोग भी आमने सामने आ गए और बीच सड़क पर लाठियां पत्थर चले, जिसका ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर है। ग्वालियर में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। निगम की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दमकल की 20 गाड़ियों ने आग बुझाई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। खबर दमोह से है, जहां से एक झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। एक महिला ने अपने 2 बेटियों के साथ पारिवारिक विवाद में जहर खा लिया। महिला ने पहले दोनों बेटियों को जहर दिया और फिर खुद भी जहर खाकर जान देने की कोशिश की, जिसमें 4 महीने की एक बेटी की मौत हो गई और 2 साल की बेटी और महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाज के जबलपुर रेफर किया गया है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अगली खबर खंडवा से है, जहां भगवान की मूर्ति से छेड़खानी पर आक्रोश देखने को मिला है। हिंदू संगठन ने आक्रोश जताया है। महिला पर है मूर्ति छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने मंदिर मूर्ति की सफाई कराई है। मानसिक विक्षिप्त है महिला। पुलिस का यह कहना है कि जिस महिला पर यह आरोप है कि उसने मूर्ति को नुकसान पहुंचाया है, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। आनंद नगर क्षेत्र के मंदिर का मामला है। अमित जायसवाल हमारे सहयोगी खंडवा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, पुलिस का कहना है कि जिस महिला ने नुकसान पहुंचाया है मूर्ति को, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, लेकिन कैसे वो मंदिर के अंदर तक पहुंच गई, मूर्ति को नुकसान पहुंचा दिया? जी देखिए, खंडवा का ये आनंद नगर क्षेत्र है, जहां पर हनुमान जी का मंदिर है और वहां प्रतिमा पर जो है उससे छेड़छाड़ करने की बात सामने आई, तो हिंदू संगठन के सदस्य वहां पहुंचे थे, आक्रोश जाहिर किया और चेतावनी भी दी थी कि जल्द से जल्द अगर आरोपी या जो भी जिस पक्ष ने भी इस तरह का काम किया उसको नहीं पकड़ा गया तो आंदोलन करेंगे। जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज संगाले गए, जिसमें एक महिला जो है ये सब कुछ करते हुए नजर आई। उस महिला को जब पुलिस ने पकड़ा तो वो महिला विक्षिप्त निकली। हिंदू संगठनों की मौजूदगी में भी उससे बातचीत की गई और इसके बाद मंदिर और प्रतिमा की सफाई भी करा दी गई है। पुलिस का कहना है कि अगर कोई शिकायत करता है तो फिर कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि महिला की स्थिति को देखते हुए फिलहाल उसे छोड़ दिया गया है और मंदिर को साफ करा दिया गया है। जी अमित, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
और अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20। भोपाल में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता